एपिलेप्सी मोफत शिविर भंडारा जिला सामान्य रुग्णालय में 9 मार्च 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मोफत एपिलेप्सी शिविर का आयोजन किया गया है। पंजीकरण के लिए संपर्क करें 07184252247 पर। प्रतिवर्ष खरीफ सीजन खत्म होने के पश्चात मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलता है। ऐसे समय में मजदूर रोजगार गारंटी योजना के कामों पर निर्भर रहते हैं। लाखनी तहसील के 14,000 मजदूरों को रोगायोग के तहत रोजगार मिला है। एक सप्ताह से मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी है। लाखनी तहसील में लगभग 7,000 के आसपास रोगायोग के मजदूर है। यह पहले की तुलना में दोगुने हो गई है। खरीफ मौसम में किसानों को व मजदूरों को कई काम मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीष्मकाल लगता है रोजगारों की स्थिति बदलने लगती है। तहसील में रोजगार गारंटी योजना पर 14,305 मजदूर कार्यरत होकर इन्हें नियम के अनुसार काम दिया जा रहा है। लाखनी पंचायत समिति के तहत ग्राम पंचायत द्वारा तथा तहसील विभाग के तहत रोगायो योजना के माध्यम से कार्य हो रहा है। यह दोनों प्रणाली मिलकर तहसील के कुल 149 काम शुरू है, जिसके तहत अलग अलग स्थानों पर मजदूरों को काम मिल रहा है। ग्राम पंचायत विभाग के 108 तथा राजस्व प्रणाली के 41 काम चल रहे हैं। इस दौरान रोगायो जल संधारण से जुड़े काम भी किए जा रहे हैं, जिसमें तालाबों से गाद निकालना, गड्ढे के काम, तालाबों के सुधार कार्य, सामाजिक वनीकरण के तहत मार्ग के दोनों छोर पर पौधारोपण, रोप वाटिका के काम, वन महामंडल के तहत काम, सिंचाई कुओं का निर्माण, फलोद्यान, घरकुल, तबेले निर्माण, मार्ग के सुधार कार्य, पेवर ब्लॉक के काम किए जा रहे हैं। ग्रीष्मकाल लगने वाला है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में कृषि काम कम हो गए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के सोयाम सिविल सर्जन भंडारा बोलतो। मी सर्व आपली जी जनता आहे त्या जनतेला आवाहन करू इच्छितो की सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि डॉक्टर निर्मल सूर्या एपिलेप्सी फाउंडेशन मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे दिनांक 9 मार्च 2024 वेळ सकाळी 11 ते दुपारी 3 वाजतापर्यंत एपिलेप्सी आकडी शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। सदर शिबिरामध्ये खालीलप्रमाणे सुविधा उपलब्ध होणार आहेत। रुग्णांची मुंबईवरून येणाऱ्या न्यूरोलॉजिस्टतर्फे तपासणी होणार आहे। रुग्णाची मोफत ईईजी होणार आहे। त्याच्यानंतर मोफत औषधोपचारवाणी उपचार होणार आहे। रुग्णांना समुपदेशन, स्पीच थेरपी, एक्युपेशनल थेरपी, फिजिओथेरपी ह्या सर्व प्रकारचे उपचार मोफत होणार आहे। तरी सर्व जनतेला मी आवाहन करतो की आपले जे काही नातेवाईक असतील ह्या बिमारीने जे ग्रस्त झालेले आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावरती संकट कोसळलेलं आहे, असं सर्वांनी आजूबाजूच्या आपले नातेवाईकांना विचारून त्या सर्वांनी अशा प्रकारचे जे रुग्ण आहेत ते रुग्ण दिनांक 9 मार्च 2024 सकाळी 11 ते 3 वाजतापर्यंत होणाऱ्या कार्यक्रमामध्ये घेऊन यावे आणि आपल्या रुग्णांचा मोफत उपचार करावा, ही सर्वांना विनंती आहे। धन्यवाद।